आजकल जरा जरा सी बात में लोग मुंह से अपशब्द निकालते हैं, भद्दे शब्द कहते हैं, बुरी बातें कहते हैं, गालियां देते हैं। अपशब्द और गालियां कोई नहीं सुनना चाहता। जो लोग ऐसे शब्द कहते हैं वो खुद भी अपशब्द और गाली नहीं सुन सकते। जो बातें, जो शब्द पूरी दुनिया में कोई सुनना ही नहीं चाहता, फिर भी लोग उन शब्दों को क्यों कहते हैं, क्यों गालियां देते हैं? जब कोई व्यक्ति गाली देता है तो सबसे पहले तो वो अपने संस्कारों का परिचय देता है, अपने चरित्र का परिचय देता है। दूसरे को वो क्या बुरा बोलेगा या दूसरे को वो क्या गलत बोलेगा, गाली देने वाला इंसान अपना ही स्वभाव दुनिया को दिखाता है। कई घरों से ऐसी शिकायतें भी सुनने में आती हैं, माताओं बहनों को घर में ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, गालियां सुनने को मिलती हैं। आप उन्हें गालियां नहीं दे रहे, आप अपनी कायरता का परिचय दे रहे हैं, आपकी वाणी कितनी विषैली है उसका परिचय दे रहे हैं। लोगों को लगता है किसी को गाली दे दो, किसी को गाली दे के उसका अपमान किया जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध को गालियां देने लगा, बहुत भला बुरा कहने लगा। महात्मा बुद्ध चुप करके सुनते रहे। वो बोलता गया, उसका गुस्सा इतना तेज था, बहुत उल्टी सीधी बातें उसने महात्मा बुद्ध से कही कि आप ढोंगी हो, आप फेक हो, आपको अधिकार नहीं है हमको ये सब बातें कहने का, हम नहीं मानते आपकी इन सब बातों को। बहुत भले बुरे शब्द उसने महात्मा बुद्ध से कहे। महात्मा बुद्ध चुप करके सुनते रहे। वो व्यक्ति गालियां देके वहां से चला गया। उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि एक राह चलता व्यक्ति आपको इतनी गालियां सुना के चला गया, आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने उस पर गुस्सा नहीं किया, आपके इतने शिष्य हैं, आप एक इशारा करते तो उसको हम अच्छा सबक सिखाते। महात्मा बुद्ध ने बोला, किसको गालियां देके गया? तो उनका शिष्य बोला, आपको देके गया। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि यदि कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु देना चाहे और आप लेने से मना कर दें, आप उस वस्तु को स्वीकार नहीं करें, तो वो वस्तु किसके पास रहेगी? तो शिष्य ने कहा, जो व्यक्ति उस वस्तु को लाया है वो वस्तु उसी के पास रहेगी। महात्मा बुद्ध ने बोला कि उसने गालियां दी पर मैंने ली नहीं, जब मैंने ली ही नहीं तो वो गालियां किसके पास रहेंगी? वो उसकी गालियां उसी के पास रह गई। तो आप ये मत समझे कि आप क्रोध करके, गालियां देके किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि क्रोध करके, गालियां देके, अपशब्द कह के वो किसी का भी अपमान कर सकते हैं, वास्तविकता में वो स्वयं का ही अपमान करते हैं। गाली का वास्तविक अर्थ है हिंसा, मौखिक हिंसा, वाणी की हिंसा। आपकी जिस भी क्रिया से किसी के शरीर और मन को चोट पहुंचे, आपकी वह क्रिया हिंसा कहलाती है। जरूरी नहीं मारपीट के द्वारा की गई क्रिया को ही हिंसा कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी से अति कठोर और अभद्र अपशब्द बोलता है, वह व्यक्ति भी हिंसा ही करता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मुंह से अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, उसके मुंह से वो शब्द निकल के चांडाल का रूप ले लेते हैं और अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले व्यक्ति को श्राप देते हुए जाते हैं। और जो व्यक्ति मुंह से मीठे वचन कहता है, दूसरों को अपनी वाणी से सहारा देता है, मदद करता है, परमात्मा का नाम पुकारता है, उसके मुंह से वो शब्द निकल के पवित्र आत्मा का रूप ले लेते हैं और उसे आशीर्वाद देते जाते हैं, उसे दुआएं देते जाते हैं, तेरी जिंदगी में शांति और समृद्धि बढ़ती रहे। कई लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते इन बातों को। आजकल ये बहुत हो गया है कि हम नहीं मानते पवित्र ग्रंथों की बातों को, हम नहीं मानते महापुरुषों की बातों को, हम नहीं मानते। तो क्या मानते हो भाई, तुम क्या मानते हो? अपने मन के अलावा तुम कुछ मानते हो कि नहीं मानते? आजकल के युग में किसी को भी अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। लोग कहते कि हम नहीं मानते इन बातों को। आखिर आप ही बता दो, आप क्या मानते हो? यदि आप पवित्र ग्रंथों की वाणी को, महापुरुषों की वाणी को नहीं मानोगे तो कैसे आपके चरित्र का निर्माण होगा? इसलिए तो आपके मन में इतनी अशांति है,
इसीलिए तो आपके चित्त में इतनी बेचैनी है, क्योंकि आप कुछ नहीं मानते सिवाय अपने मन की। जो महापुरुष, जो पवित्र ग्रंथ हमारे कल्याण का उपदेश देते हैं, हमारे भलाई की बातें कहते हैं, उन्हें जरूर समझना चाहिए। कई लोग प्रश्न करते हैं कि यदि कोई हमको गाली दे या हमको अपशब्द कहें तो हम चुप करके सह लें क्या, और सबका सहो तो लोगों को लगता है कि हम कायर हैं, क्या करें। और कई लोग कहते हैं कि आजकल समय ऐसा आ गया है कि सामने वाले को बराबर जवाब देना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। तो क्या करें, चुप रहें कि जवाब दें? हम ना चुप रहने के पक्ष में हैं, ना विरोध करने के पक्ष में हैं, हम विवेक के पक्ष में हैं, समझ के पक्ष में हैं। हर परिस्थिति में आप एक जैसा निर्णय नहीं ले सकते। क्या एक ही साइज का कुर्ता आप हर इंसान को पहना सकते हैं? वही कुर्ता बच्चे को भी पहना दो, जवान को भी पहना दो, स्त्री को भी पहना दो, पुरुष को भी पहना दो। जैसे हर व्यक्ति की साइज के वस्त्र अलग अलग हैं, ऐसे ही आपकी जिंदगी है। आपको अपनी समझ को बढ़ाना होगा, विवेक को बढ़ाना होगा कि किस परिस्थिति में आपको कैसा निर्णय लेना है। जैसे महात्मा बुद्ध ने उस राह चलते व्यक्ति को जवाब देना उचित नहीं समझा, ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनसे अगर आप बहस करेंगे तो और उलझ जाएंगे। पर ऐसे कई लोग होंगे हमारी जिंदगी में जहां अगर आप चुप रहे तो भी बात बिगड़ जाएगी। तो कौन सा व्यक्ति है, कैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार आपको निर्णय लेना होगा कि कहां चुप रहना है और कहां जवाब देना है। यदि इस बात को आप सीख गए, समझ गए, तो आपका कोई अपमान नहीं कर पाएगा। पवित्र और मीठी वाणी हर एक के दिल को प्रसन्नता देती है। कड़वी और अभद्र वाणी दुनिया में कोई भी इंसान सुनना पसंद नहीं करेगा। तो हमने ऐसी वाणी को अपनी जिंदगी में, अपने समाज में, अपने परिवार में क्यों जगह दे रखी है? यदि हम ऐसी ही वाणी बोलते रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम मनुष्य हैं? इंसान तो हम बन गए पर इंसानियत नहीं सीख पाए। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करे तो आप भी औरों की इज्जत कीजिए। यदि आप किसी को गाली देंगे तो बदले में वो भी आपको गाली देके जाएगा। यदि आप किसी की तारीफ करेंगे, आप किसी से अच्छा बोलेंगे तो बदले में वो भी आपसे अच्छा बोल के जाएगा, आपकी तारीफ करके जाएगा। हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। पर हमारी गलती तो यह है कि दूसरों को हम अच्छा देना नहीं चाहते और बदले में अपने लिए चाहते हैं कि हमें हमेशा अच्छा मिलता रहे। आपकी जिंदगी में आप सफलता चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी वाणी को सुधारिए। जैसे ही कोई इंसान मुंह खोलता है, सिर्फ वो मुंह नहीं खोलता, वो अपने आप को खोल देता है। किसी के बोलने से ही पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। आप चाहें तो अपनी वाणी से सारी दुनिया को जीत सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी वाणी के द्वारा सब कुछ गंवा सकते हैं। अब यह चुनाव आपको करना है कि आपको जीतना है या हारना है।